नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी वर्मा और मैं आज आप सभी को एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी जो सभी किसान भाई बहनों की हालात और मजबूरियों को दर्शाता है और बताता है कि वो किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बड़े खेत का मालिक हूं, फिर भी मजदूरी करता हूं। मेहनत कर दिन और रात में ननही फसलें पल्लवित करता हूं। मेहनत है 12 महीनों की, गर्मी की हो या सर्दी की। मैं बड़े खेत का मालिक हूं, फिर भी मजदूरी करता हूं। मेरे 4 सहारे हैं, 3 खेतों में हारे हैं, चौथी शहर को भेजी है, उज्ज्वलता की आस सींची है। हरियाली की खोज में मैं रहूं रात दिन सोच में। मैं बड़े खेत का मालिक हूं, फिर भी मजदूरी करता हूं। कांधे हल लेकर जाता हूं, फिर भी कोई हल ना पाता हूं। अन्नदाता कहलाता हूं पर आनंद से अन्न ना खा पाता हूं। कर्जे में डूबा जाता हूं, खेतों में ही बिक जाता हूं। दुनिया देखे खड़ी खड़ी, मानो सरकारी मोहर लगी। अच्छे दामों की खोज में मैं रहूं रात दिन सोच में। मैं बड़े खेत का मालिक हूं, फिर भी मजदूरी करता हूं। मैं मानव धर्म निभाता हूं, फिर भी अधर्मी कहलाता हूं। मन मोती जब टपकाता हूं, मैं कफन पहनना चाहता हूं। उस कन्यादान की खोज में, उस कर्जे के बोझ में, मैं फसलें गिनता घड़ी घड़ी। अखबारों में आत्मकथा रद्दी बनी। उस सवेरे की खोज में, उस ईश्वर से रोज में विनती करता घड़ी घड़ी। कब जागेगी मेरी किस्मत सोई। मैं बड़े खेत का मालिक हूं, फिर भी मजदूरी करता हूं।